हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये ब्लेंडर रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है, ये ब्लेंडर घूम नहीं रहा है, ये ब्लेंडर पूरी तरह से जाम हो गया है दोस्तों। तो चलिए मैं एक बार इसे आपको ऑन कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे ऑन कर दिया तो ये देखिए, इसके ब्रश के पास ये देखिए स्पार्किंग हो रही है और इसकी मोटर घूम नहीं रही। तो चलिए एक बार हम इसे खोलते हैं और देखिए, ये वाइब्रेट भी हो रहा है दोस्तों, कुछ इस तरह। देखिए सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए इसे इस तरह से खोलना है। तो ये देखिए, इस तरह से खींच कर ये बिट निकालना है और इसे इस तरफ से घुमाकर इस रोटर को भी हमें बाहर निकालना है। तो ये देखिए, ये निकल गया और ये देखिए, ये जो रोटर है ये जाम हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए, ये कैप मैंने इसे निकाल दी है और ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम ये स्क्रू निकालेंगे ताकि हमारा शाफ्ट जो है वो बाहर निकल सके। तो ये देखिए, हमारा शाफ्ट बाहर निकल चुका है और इसकी जो मोटर है, ये मोटर दोस्तों ये देखिए फ्री है और ये घूम रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी मोटर ऑन करने पर ये मोटर घूम रही है। तो इसकी मोटर तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट पहले फ्री करेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो ये बीट लगा कर एक बार हम फ्री करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही जाम हो चुका है और हाथ से घुमाने पर भी ये घूम नहीं रहा है। तो चलिए एक बार हम इसे थोड़ा सा पकड़ से ठोकते हैं और उसके बाद पकड़ से हम इसको घुमाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब ये हमारा शाफ्ट, ये देखिए अभी ये घूमने लगा है और ये फ्री हो गया है। ये देखिए, ये थोड़ा बाहर भी आ चुका है, ये देखिए। तो हमें ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों, बहुत ही इजीली हमारा शाफ्ट ये देखिए फ्री हो चुका है और आप इसे घर पर भी फ्री कर सकते हैं। आपको मैकेनिक के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आप मैकेनिक के पास ले जाएंगे तो इसे 100-200 रुपया आपके रिपेयरिंग के वो ले लेंगे। तो एक बार आप घर पर ही इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा शाफ्ट फ्री हो चुका है। थोड़ा इस पर हम ये देखिए पेट्रोल से इसे एक बार अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि ये दोबारा जाम ना हो। तो ये देखिए, शाफ्ट बिल्कुल ही हमारा फ्री हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे इसकी जगह पर लगाते हैं। जैसे हमने इसे निकाला था दोस्तों, उसी तरह से हम इसे लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो मोटर का शाफ्ट है और ये बड़ा वाला शाफ्ट है, हम इस दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये देखिए। और इसके जो स्क्रू है, हम ये स्क्रू इसकी जगह फिट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसका ये वाइसर लगाएंगे। दोस्तों, वाइसर इसका अच्छी तरह से फिट बैठना चाहिए दोस्तों, ताकि इसके अंदर पानी चला ना जाए। और ये देखिए इसके ऊपर की कवर,
और अब हम ये मोटर इसके साथ फिट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मोटर तो अच्छी तरह से फिट हो गई है और इसके ऊपर भी एक वाइसर है। और चलिए इसके बाद इस बीट के ऊपर का कवर लगाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से हम कस देंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से बैठ गया है और अब हम इसके ऊपर बीट लगाएंगे। तो बीट लगाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ इसके ऊपर रख कर इसे प्रेस करना है, ये देखिए कुछ इस तरह, और हमारा बीट ये देखिए लग चुका है। तो चलिए अब हम इसके पीछे के कवर लगाकर इसके स्क्रू लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्लेंडर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।